हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं परफेक्ट लीप रोल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉश की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में। यानी दोस्तों, बॉश की नई टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन आई है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा और इस वीडियो में वो वॉशिंग मशीन भी दिखाऊंगा, बॉश के जो नया मॉडल है। तो दोस्तों, जो बॉश के जितने भी बेस्ट मॉडल है या अदर ब्रांड के जितने भी बेस्ट मॉडल है प्रोडक्ट क्वालिटी में, सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर प्राइस चेक करना है तो प्राइस भी चेक कर सकते हो, अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी डील चल रही है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है बॉश की नई टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। इसका मॉडल नंबर है WOE701WOIN। इसकी अगर प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों, इसका मार्केट प्राइस 22,000 है। ये मशीन 5-स्टार रेटिंग के साथ में आ रही है, काफ़ी अच्छी और बेस्ट टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। यानी प्रोडक्ट क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है। दोस्तों, बॉश की इस टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 8 अलग अलग वॉशिंग प्रोग्रामिंग मिल जाते हैं, मल्टी सोकिंग टाइमिंग मिल जाता है। और दोस्तों, बॉश के इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एंटी टैंगल प्रोग्राम मिल जाता है, जिसकी मदद से आपके कपड़े अप टू 50% तक टैंगल लेस रहते हैं। यानी आपस में कपड़े फंसते नहीं है 50% तक का। दोस्तों, बॉश की ये टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन 5-स्टार रेटिंग के साथ में आ रही है। बॉश के इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिलता है बॉश का वेरियो मोटर्स, जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, जिसकी मदद से नॉइस लेवल वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है इस मशीन के अंदर। इसका पैनल, जो वॉशिंग प्रोग्राम के लिए जो पैनल होता है, वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये है इसका पूरा कंट्रोल पैनल, जहाँ से आप बॉश की वॉशिंग मशीन को कंट्रोल कर सकते हो और आपका फेवरेट वॉशिंग साइकिल सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले मिल जाता है इसका पावर वाला बटन जो लेफ्ट साइड में दिया है, इसको जैसे आप दबाएंगे तो पैनल के ऊपर लाइट आ जाएगा और ये प्रोग्राम वाला बटन दबा के आपका फेवरेट प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। पहले जो मिल जाता है दोस्तों, स्मार्ट सजेस्ट, जिसमें आप जो भी कपड़े डालोगे उसी हिसाब से मशीन वाटर लेवल डिसाइड करेगी, टाइमिंग डिसाइड करेगी और आपको एक फुल्ली ऑटोमेटिक फुल्ली प्रोग्राम सेलेक्ट करके देगी, जिसमें आपका वॉश होगा, रिंस होगा, स्पिन होगा, स्पिन ड्राई होगी, मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर आपको कोई आपका मैनुअल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है या कुछ मैनुअली वॉश करना है, मैनुअली वाटर लेवल सेलेक्ट करना है, तो आप इसमें मैनुअली प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे आपको प्री सेट आपको 8 वॉशिंग प्रोग्राम मिल जाते हैं इस मशीन के अंदर। दोस्तों, बॉश की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एक सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है वॉल चेक। यानी अगर आपके यहाँ कोई पावर फ्लक्चुएशन होता है और कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल वोल्टेज हाई लो हो जाते हैं या ज़्यादा लो वोल्टेज होने से मशीन का जो पैनल वगैरह है वो उड़ जाता है, तो इसमें वॉल चेक का फीचर्स दिया हुआ, जिससे आपका पैनल वगैरह ख़राब नहीं होता है। और इस मशीन के अंदर आपको मिल जाता है दोस्तों सॉफ्ट क्लोजिंग डोर, तो डायरेक्टली गिरता नहीं, हाइड्रोलिक डोर है, स्मूथली क्लोज होता है। नॉर्मली बहुत से डोर क्या होते हैं, जैसे आप क्लोज करेंगे डायरेक्टली गिर जाते हैं या हाथ वगैरह पे लग जाता है, तो वो चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एडवांटेज है। तो दोस्तों, ये है इस मशीन का ड्रम साइज, तो 6.5 kg की है, तो इसका ड्रम साइज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। कंपेयर करेंगे तो सैमसंग वगैरह, तो सैमसंग से काफ़ी बड़ा इसका ड्रम साइज दिया हुआ है। इस मशीन के अंदर आपको दोस्तों ये मिल जाता है डिटर्जेंट बॉक्स और एक मिल जाता है कंडीशनर बॉक्स। एक में आपको डिटर्जेंट डालना है, दूसरे में आपको कंफर्ट या कंडीशनर जो भी डालना है, तो वन टाइम स्टार्टिंग में भी आप डाल सकते हो। इस मशीन के अंदर दोस्तों एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, वो है इसका लिंट फिल्टर। यानी इसमें काफ़ी बड़े साइज का लिंट फिल्टर दिया हुआ है, जो मैक्सिमम लिंट कलेक्ट करने का काम करता है। वॉशिंग के बाद में अगर कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद में इस फिल्टर को दोबारा क्लीन करके लगा देना होता है। इजी टू रिमूविंग है, यानी इजी, आसानी से इसको निकाल के लगा सकते हो, एकदम सिंपल टू यूज़ है। और दोस्तों, इस मशीन के अंदर एक चीज़ और देखने को मिल जाता है, जो मशीन के अंदर वाइब्रेशन नॉइस लेवल कंट्रोल करता है, वो है इस मशीन के अंदर लेवल इंडिकेटर। यानी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर मशीन के चारों बैलेंस जो लेग्स होते हैं अगर बराबर नहीं होते, तो मशीन के अंदर वाइब्रेशन की नॉइस लेवल की समस्या आती है। तो ये लेवल दिया हुआ है, ये अगर बीच में रहा, इसको अगर जब जैसे मशीन इंस्टॉल करते हो, तो इसमें वाटर का जो लेवल एकदम सेंटर में होना चाहिए। अगर मशीन का लेवल सेंटर में है, चारों लेग्स प्रॉपर है, तो आपकी मशीन में वाइब्रेशन और नॉइस लेवल की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। दोस्तों, बॉश की इस टॉप लोडिंग के अंदर आपको बैक व्हील भी देखने को मिल जाते हैं। बैक व्हील का फायदा ये होता है दोस्तों, अगर मशीन को आपको मूव करना है तो पीछे से थोड़ा किल कीजिए और मशीन को मूव कर लीजिए, तो मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस मशीन के अंदर अगर दोस्तों वारंटी की बात करें तो 10 साल की मिलती है दोस्तों इसमें मोटर की वारंटी, और 2 ईयर्स कंप्लीट वारंटी के साथ में आ रही है ये मशीन। दोस्तों, बॉश की टॉप लोडिंग की अगर मैन्युफैक्चर की बात करें, तो बॉश की ये टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है।
पहले क्या था दोस्तों, जब स्टार्टिंग में बॉश की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन आई थी, सभी की सभी चाइना से मैन्युफैक्चर होके आ रही थी, जिसमें आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल पा रही थी, अगर मशीन में कुछ खराबी हो रही थी तो स्पेयर पार्ट भी नहीं मिल रहे थे। तो अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बॉश की सभी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो आपको कोई स्पेयर पार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनके पुराने टॉप लोडिंग वाले मॉडल के कंपैरिजन में। दोस्तों बॉश की ये 7 kg वाली टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।